एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा अलग, क्योंकि आज मैं करने वाली हूँ आलिया भट्ट का लुक रिक्रिएट। रिक्रिएशन मैंने बहुत ज्यादा किए हैं, बट वो सारे इंस्टाग्राम पे किए हैं और मैंने कई बार शॉर्ट्स पर भी डाले थे। एंड पीपल लाइक व्हाई डोंट यू मेक अ फुल फ्लेश वीडियो ऑन दिस, सो आज मैं वही कर रही हूँ। एंड इफ यू गाइज नीड मोर सच रिक्रिएशन वीडियो देन यू प्लीज कॉमेंट डाउन एंड लेट मी नो। तो जो भी आप चाहते हैं कि मैं रिक्रिएट करूँ उसके लिए भी आप कॉमेंट कर दीजिए। टुडे आई एम क्रिएटिंग आलिया भट्ट वेडिंग लुक एंड इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल लुक। शी वॉज नॉट वेरिंग एनी मेकअप, शी वॉज वेरिंग मेकअप बट इट वॉज वेरी मिनिमल। आउटफिट शी वॉज वेरिंग एवरीथिंग वॉज लाइक सो परफेक्ट। आई हैव मैनेज्ड टू पुट टुगेदर द लुक, बट हाँ उतना अच्छा तो ऑब्वियसली हम नहीं कर सकते बिकॉज शी वॉज वेरिंग सब्यसाची मैन एंड हर ज्वेलरी एंड एवरीथिंग वॉज सो ब्यूटिफुल एंड ऑब्वियसली वेरी कॉस्टली। बट ऑफकोर्स मैं वो तो नहीं कर पाई, बट आई हैव ट्राइड टू डू माई बेस्ट। मैंने जितनी भी चीजें ली है, साड़ी टू ज्वेलरी टू एवरीथिंग इज ऑफलाइन, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था एंड आई वॉन्टेड टू डू दिस वीडियो वेरी क्विक। तो इसलिए मेरी मम्मी जाकर जयपुर का जो जौहरी बाजार है वहां से मेरे लिए साड़ी लेकर आई है, ज्वेलरी लेकर आई है। सो आई एम रियली रियली एक्साइटेड फॉर दिस वन। लेट्स सी मैं कितना अच्छा करवाती हूँ गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। माय स्किन इज ऑल प्रेप्ड, आई मॉइस्चराइज्ड, मैंने सनस्क्रीन लगा ली, एवरीथिंग इज डन। आई जस्ट हैव टू स्टार्ट विद माय बेस एंड द बेस इज नॉट अ बेस बेस, बट आई एम जस्ट गोना ग्रैब सम कंसीलर एंड पुट इट ऑन द एरियाज वेयर आई फील आई एम पिगमेंटेड। वैसे अगर आप आलिया के लुक पर जाएंगे तो आप देखेंगे दैट उनका आई पिगमेंटेशन अच्छे से विजिबल है, उनके जो फ्रेकल्स थे वो भी विजिबल थे। बट मुझे फ्रेकल्स तो नहीं है, बट हाँ आई ऑल्सो हैव पिगमेंटेशन अराउंड माई आईज एंड आई हैव एग्जैक्टली सेम आईज लाइक आलिया भट्ट बिकॉज शी हैज स्मॉल आईज एंड आई हैव स्मॉल आईज। तो जो भी मैं यूज करने वाली हूँ बहुत ही लाइट कवरेज होगा, बहुत ज्यादा कवरेज नहीं होगा। आई जस्ट हैव टू लुक एज इफ आई एम वेयरिंग समथिंग बट नॉट लाइक अ मेकअप। सो लेट्स स्टार्ट। आई एम टेकिंग दिस एले गर्ल प्रो कंसीलर और इससे मैं बिल्कुल ही लाइटली अपनी अंडर आईज और थोड़ा सा ये वाला एरिया जो मेरे को पिगमेंटेशन है, वैसे ये पिगमेंटेशन पता नहीं कि मुझे ऐसी जगह पर है कि यू नो माय फेस लुक कॉन्टोर पे, ऐसा लगता है कि एक नेचुरल कॉन्टोर है मेरी, मैं कैसे बोलूँ सही जगह पे है, लेकिन हाँ पिगमेंटेशन इज एट एंड ऑफ द डे पिगमेंटेशन। सो मैं यहाँ करूंगी, यहाँ पर मैं करूंगी बट बहुत ही कम, वेरी लिटिल, लाइक बिल्कुल पता नहीं चलेगा। सो आई एम गोना गो इन विद दिस एंड नाउ यू गोइंग टू सी अ गुड टाइम लैप्स। सो आई एम प्रीटी मच डन विथ माई आईब्राउज एंड माई बेस। हमेशा से ही सिंस शी स्टार्टेड वर्किंग इन बॉलीवुड, मैंने हमेशा से उनकी आईब्राउज में बहुत ही रॉ देखी है, बहुत ही प्यारी देखी है। आई डोंट थिंक कि वो कभी भी ऐसे अलग से ट्रिम करती होंगी, पता नहीं करती भी होगी तो, बट हर आईब्राउज आर लाइक वेरी रॉ एंड वेरी ब्यूटिफुल। सो मैंने आज थोड़ा सा अपने आईब्रोज को वैसा ही लुक देने का ट्राई किया है, मैंने इसीलिए ना अपने आईब्राउज को टेम नहीं करवाया है, केप देम एज इट इज, कि आज जो मुझे लुक बनाना है उसके लिए वो एकदम परफेक्ट रहे। वो जो आईब्रोज का इफेक्ट होता है, रॉ आईब्रोज का इफेक्ट होता है, उसके लिए आई एम यूजिंग दिस फूली एंड दिस इज फ्रॉम द पैक वाला जो ब्रशेस का कलेक्शन है उसी में से ये है। सो यू कैन सी माई आईब्रोज आर क्वाइट लिफ्टेड टुडे, आई एम हैप्पी विद माई आईब्रोज। ओके इट्स नाउ टाइम फॉर मी टू वेयर साड़ी और मैं साड़ी पहनने के बाद आऊंगी एंड आपको दिखाऊंगी, बिकॉज उसके आगे की चीजें जो भी मस्कारा है और जो भी लास्ट टचअप्स हैं वो मैं उसके बाद ही करूंगी, बिकॉज यू नो ये इतना नेचुरल सा लुक है कि इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इट्स वेरी एफर्टलेस एंड वेरी ब्यूटीफुल। सो दिस इज माई ऑर्गेन्जा साड़ी। नाउ दिस इज अ कलर बिटवीन रोज गोल्ड एंड ऑफ वाइट, मुझे प्रॉपर ऑफ वाइट नहीं मिला। हाँ देखो क्रीम में तो ये ऑफ वाइट ही लग रहा है, बट या नॉट द प्रॉपर ऑफ वाइट। सो आई एम गोना वेयर दिस एंड इसकी बॉर्डर पे कुछ ऐसा जैसा आलिया के जो ब्लाउज है और साड़ी पे काम था वैसा ही कुछ है। सो आई एम वेयरिंग दिस एंड आई विल ऑल्सो शो यू माई ज्वेलरी वंस आई वेयर माई साड़ी, सो आई एम गोना गो वेयर माई साड़ी, दिस इज रियली नीड नाउ। सो आई हैव मैनेज्ड टू गेट दिस साड़ी और ये कुछ कुछ उनकी तरह है, पूरी तरह तो नहीं है बट हाँ। और जो मेरे नाना जी हैं उन्होंने एक दिन में मुझे ब्लाउज सिल के दिया एंड इतना सही फिटिंग, बिकॉज ही इज अ टेलर इन सेल्फ, ही इज अ टेलर इन जयपुर, तो उन्होंने मुझे सिल के दिया है एंड यू कैन सी द फिटिंग, मैं बड़ी खुश हूँ उस चीज से। एंड इट्स ऑफ वाइट काइंड ऑफ अ साड़ी, देखो इन्होंने भी कुछ ऑफ वाइट ही ली है बट इनकी थोड़ी परफेक्ट ऑफ वाइट है, मेरी इतनी परफेक्ट नहीं है।
So now I'm gonna go and put the jewelry on and उससे पहले आपको बता दूँ that मैंने थोड़ा सा try किया था आंखों पे जैसे उन्होंने किया है but उतना अच्छा नहीं आया so I'm gonna try that again and let you guys know. Now I'm gonna throw in some kajal in my lower lash line and upper lash line. Upper lash line इसलिए ताकि मेरी eyes थोड़ी सी tight line हो जाए जब मैं mascara लगाऊँ तो eyes जो है वो और अच्छे से एक shape में आ पाए. I'm done putting the kajal now. I'm gonna go in with the L'Oreal Paris Superstar False Lash Mascara. और ये मेरा current cult favorite है क्योंकि इसमें आपको दो चीजें मिलती है. पहला मिलता है आई लैश प्राइमर, दूसरा मिलता है मस्कारा ऑब्वियसली. और उस प्राइमर से आपकी लैशेज को इतना सही वाला वॉल्यूम मिलता है ना. मतलब मेरे बारे में सबको बताया जाता है डोंट हैव लैशेज, आई लाइक हेयर इज रिव्यू इट्स कम टू लैशेज. तो ये मेरे को बहुत हेल्प किया है. सो या आई एम गोइंग टू रेकमेंड दिस एंड दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड. आई एब्सोल्युटली लव दिस प्रोडक्ट. माई मस्कारा इज डन. यू कैन सी द वॉल्यूम. So good, I'm really liking it. Now it's time for blush. And अगर आप आलिया को देखें तो उन्होंने इतना blush नहीं लगाया है. यार जिसकी शादी हो रही है उसका तो already blush निकल के आता है. तो उन्होंने इतना blush नहीं लगाया. But I am putting it some like थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा तो वो दिख रहा है ना. अब उनका blush तो हम match नहीं कर सकते, but लगा तो सकते हैं ऊपर से. So I'm putting some blush. Okay, so for lips, आलिया मैम का बिल्कुल ही एकदम इतना न्यू शेड था. आई डोंट नो बट हर लिप्स वर लुकिंग सो प्रिटी. सो क्या शेड था ये तो आई डोंट थिंक कोई आइडेंटिफाई कर पाया होगा. बट आई एम गोइंग गो इन विद दिस रियली रियली न्यूड शेड फ्रॉम कीको मिलानी. इट्स द शेड 107 कॉस्मिक इमोशन. और मैंने हमेशा कहा कि मेरी फेवरेट लिपस्टिक रही है, सो आई एम गोइंग यूज दिस टुडे. बट इसको भी मैं बहुत ही कम, मतलब आई विल जस्ट गोना लाइक डैब इट ऑन माय लिप्स, दैट्स इट. नो मोर makeup, no more anything. It's just like it's like this. So guys, I am done with my makeup and I am so proud of myself. मेरे को बस थोड़ा सा highlighter की यहाँ पर जरूरत लग रही, बाकी I guess everything is just to the point and I'm really happy. लिप्स से मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, बस हल्का सा जैसे लेके डैप 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 कर दिया है. एंड नाउ आई एम गोइंग टू शो यू माय ज्वेलरी. आई एम रियली एक्साइटेड फॉर माय ज्वेलरी क्योंकि मम्मी बहुत ही सुंदर और एकदम परफेक्ट ज्वेलरी लाई है. सो आई एम गोना वेयर दैट एंड कम. तो ये है मेरी ज्वेलरी. मम्मी जौहरी बाजार से लाई है, कैसे इसको है ना, जौहरी बाजार से लेके आई है. दिस इज माई माथा पट्टी जो थोड़ी पीछे जा रही है एंड दिस इज माई टीका. एक्चुअली मुझे वैसी माथा पट्टी नहीं मिली जैसी आलिया ने पहनी थी, तो मैंने एक ये नेकलेस है इसके साथ, ये मैंने टीका अलग से पहना है. एंड थैंकफुली मुझे नेकलेस बहुत प्यारा मिल गया. इनफैक्ट कुछ आलिया जैसा मिल गया. हाँ बस ये नीचे थोड़े से बीट्स अलग हैं, बाकी आई रियली रियली लाइक द ज्वेलरी. आई एम वेयर माय बैंगल्स नाउ. सो आई एम ऑलमोस्ट डन. मुझे बस एक गोल्डन चुन्नी लेनी है. उसके अलावा एवरीथिंग इज डन. बस मुझे आज दुख हो रहा है कि मैंने ब्रेसेस क्यों पहने हैं. बाकी एवरीथिंग इज लुकिंग लाइक प्रीटी मच लाइक आया. बस मेरे एक ही इशू है, वो है मेरे बाल. तो उन्होंने बाल आगे रखे हैं, मैं बाल आगे नहीं रख सकती हूँ क्योंकि मेरे बाल इतने लंबे हैं कि वो इधर उधर इसमें कभी उसमें फंस जाएंगे. अच्छा आई फॉरगॉट टू लेट यू गाइस सी दिस, लाइक लुक एट दीज, दीज आर सो प्रीटी. मैंने अपनी नेल पेंट अब उनसे मैच किया. सो आई जस्ट होप दैट गेट्स ऑल, दैट्स ऑल वर्दी ऑफ द एफर्ट्स आई डिड. तो चलिए अब गोल्डन चुन्नी पहनते हैं. तो गाइस माय लुक इज फिनिश्ड एंड आई एम सो सो This was my final look. I have tried my best to recreate her, but देखिए उनसे अच्छा तो कोई नहीं लग सकता. पर हाँ कोशिश हम जरूर कर सकते हैं. एंड आई गेस यू गाइज लाइक इट. अगर अच्छा लगा हो तो कॉमेंट करके जरूर बताना, नहीं लगा हो तो भी प्लीज कॉमेंट करके बताना. I try to improve next time. अभी हम जाते हैं, हम सूरज का रिएक्शन लेते हैं. मैंने उसको ना कब से उस कमरे में बंद करा हुआ है. रजत मैं आ रही हूँ. अच्छा रुक जा, तू मत आ ऐसे ही. मैं लाइट में खड़ी हूँ. हाँ तो खड़ी है. अच्छा पर तू मैं आ जा. कितनी क्या लग रही है. यार क्या लग रही है. बेटी किसकी है. मम्मी पार्टनर है मेरी, तो मेरी तो बेटी है. आई बड़ी आप पहले बंद हो. अरे चार्ज नहीं है इसमें. क्या लग रही है भाई तू.
मस्त लग रही है यार, तुम्हें बहुत ही जरूरी और बहुत ही बुरी लग रही, बहुत मस्त लग रही, बहुत मस्त पक्का। हाँ, और बिना मेकअप के और ऐसे करके बहुत प्यारी। अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या लग रही, खूबसूरत। मम्मी गड़ी भी दे कैसे लग रहा है, पर साहब परी लग रही है, परी परी लग रही है, परी। हाय ब्यूटीफुल, मम्मी अलग ही है। क्यों अभी कमरे का काला टिकर मार दे रही है ऐसे कहीं से, इसकी तो भाई नजर उतार देना, ये तो हमारी लग जाएगी इस पर, वही बहुत अच्छी लग रही है बिना मेकअप के। हां बिल्कुल, बिना मेकअप के आदमी अच्छा लगता है, बल्कि आदमी क्या औरत है, बहुत सुंदर लग रही है, बहुत एक नंबर। वही एक है ना, इन सबको करने में मेरी दो दिन से यू और यू है, ऐसे सही। तो पेन गेम सी हो गई या तुम्हारी थी, बहुत बहुत सुंदर लग रही है, नजर डाल रहे हैं, बहुत सही लग रही है, दोनों मेरा मजाक उड़ा रही है, बहुत अच्छी लग रही है, सिंपल वही वाला एकदम सिंपल सा लुक। और लुक लाने के लिए मैं दो दिन से ऐसे हो रही हूँ, ये सब चीजें कर कर करके कर कर, बहुत प्यारी, जोरदार लग रही है, कभी कभी लगती है सुंदर। अब एक बार दिखा दो सामने, दोनों के ले लेना, इसकी सूरज की और इसकी। सो गाइज विद दिस इट्स अ रैप फॉर टुडेज वीडियो, आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर आपको ऐसे वीडियोस और चाहिए तो कमेंट जरूर कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, कीप ग्लोइंग, बाय।